हैं वो उनको शामिल किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्रा में कोशिश की जाएगी, टीडीपी से बात की जाएगी, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा महाविकास अगाड़ी के पास जो नंबर आया है, हमने लगातार दर्शकों को बताया था कि सुबह उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे के 4 लोकसभा सांसद से जो जीत चुके हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है। तो लगातार हर प्रदेश में एक कवायद चल रही है, जो निर्दलीय जीते हैं उनके भी संपर्क में आने की बात चल रही है, लेकिन एक मार्जिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी मार्जिन यानी कह सकते हैं कनिका दोनों ही गठबंधन जो है, दोनों ही गठबंधन इस वक्त पूरी कोशिश में है कि ये नंबर बढ़ा लें। 292 से कोशिश होगी एनडीए की भी, भारतीय जनता पार्टी की, 292 से वो ज्यादा नंबर ले जाए ताकि एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। देखिए एनडीए इस बात की कोशिश करेगा कि 272 जो नंबर हैं उससे प्लस नंबर हैं, लगभग 300 तक की वो कोशिश बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 272 का जो नंबर है ये कंफर्टेबल नंबर नहीं है। अगर वो इस 272 के बाद सरकार बनाने का दावा, बड़ी खबर आज ही दावा पेश कर सकता है एनडीए, एनडीए नेता आज राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आज ही दावा पेश कर सकते हैं एनडीए के नेता सरकार बनाने के लिए। अभी 4 बजे मीटिंग शुरू हो चुकी है और इसके बाद ही दावा पेश किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए के नेता आज ही अपना दावा पेश कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने के लिए। तो ये बड़ी खबर कनिका आ रही है और इससे लग रहा है कि सब कुछ इसी मीटिंग में तय होने वाला है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जो एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है वो अपने आप में बड़ा दावा है। सरकार बनाने का दावा जो है वो आज ही पेश किया जाएगा बैठक के बाद, ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड मैप तैयार कर लिया है, एनडीए की मीटिंग जैसी खत्म होगी उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब एनडीए की जो बहुमत है, जो उनके पास नंबर है उसको उसके बाद